नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है येस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 25 रुपीज 10 पैसा पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.59% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है 72,253 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 13.80 है, फेस वैल्यू 2 है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये बैंक है एंड इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कि मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है 50-100 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये 50 DMA के बिल्कुल क्लोज आ चुका है इस टाइम पे। बट आप ये देखेंगे कि ये पास्ट में भी जो 50 DMA को है वो सपोर्ट बनाकर चला। यहाँ पे भी आप देखेंगे चाहे 200 DMA से नीचे था बट 50 DMA को ये सपोर्ट जरूर बना के चला है। पास्ट में भी ये पैटर्न रहा है इसका, तो यहाँ जब भी ये 50 DMA के आसपास आता है वैसे ही ये एक अपमूव देता है। तो होपफुली इस बार भी ऐसा होगा बट जरूरी नहीं है। सो पीई की बात करें तो पीई मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी के लिए देखें तो देखिए चार्ट में जो देखा गया है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट से उससे ये यहां से रिवर्सल लेके गया था। हमने स्ट्रांग सपोर्ट लगाया था बट ये ऊपर वाला सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल लेके गया है एंड आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही मार्केट में। वैसे आप देख सकते हैं पिछले लास्ट ट्रेडिंग वीक में बड़ी वॉलेटिलिटी रही है एंड इस बार भी इस 2 दिन हो गए इस ट्रेडिंग वीक के एंड काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई है। तो यहाँ पे अब देखिए ये स्टॉक काफी भागा भी था एंड काफी अच्छे तरीके से करेक्ट भी हो चुका है। बट अभी न्यूज को एक बार नजर मार लेते हैं तो BSE का इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है बट न्यूज अभी तक कोई भी नहीं है ऐसा जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके से मदद करे। ठीक है, टेक्निकल्स पे एक बार नजर मारते हैं तो देखिए RSI जो है 45.70 पे है एंड कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 271 मिलियन का, मतलब 27 करोड़ के आसपास। एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 31 करोड़ के आसपास, 31-32 करोड़ के आसपास, जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम होता है ये। हालांकि यहाँ पे सिर्फ NSE का वॉल्यूम होता है एंड वॉल्यूम इससे ज्यादा ही होता है यूजली, तो राउंड फिगर में मैं 33 करोड़ का वॉल्यूम लेके यहाँ पे ले चलती हूँ। तो देखिए 33 करोड़ के वॉल्यूम के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स का बहुत तगड़ा दबाव देखा गया है। ये रेजिस्टेंस एक बन चुकी है एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ये सपोर्ट पहले बना था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुके, बहुत ज्यादा यहाँ पे दबाव देखा गया है। So, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो बढ़ा है, टेक्निकली अगर बात करें तो RSI भी एक रिवर्सल के लिए रेडी है। देखिए यहाँ से RSI ना सपोर्ट लेती है, यहाँ इसी पॉइंट पे इस टाइम RSI यहाँ से मूव देती है एंड एक पुराना पैटर्न भी है कि जैसे ही 50 DMA के आसपास आता है तो ये रिवर्सल भी देता है। देखिए एक तो सिनेरियो हो गया कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे क्योंकि काफी करेक्शन हो चुकी है। दूसरा सिनेरियो यहाँ से ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे क्योंकि रेजिस्टेंस भी बन चुकी है एंड वॉल्यूम तो देखिए काफी अच्छा है बट सेलर्स का दबाव भी है। अगर मार्केट ठीक हो जाती है, क्योंकि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी, काफी FIIs ने सेलिंग भी करी है, तो उसके भी एक चीज देखी जाती है, कुछ डर के मारे ही बेच के चले जाते हैं कि कुछ हो ना। एंड आजकल एक खबर भी फैली हुई है कि JP Morgan ने बोला कि वो इस बार 2024 मार्च में लाइफ का सबसे बड़ा क्रैश आएगा स्टॉक मार्केट में। बट मैं मतलब नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पर वो खुद ही इतने लॉस में है कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। बट इट जस्ट कि ये थोड़ा सा ना डर पैदा करने के लिए, और वो न्यूज ना मैंने वहां पे कमेंट्स भी पढ़े एंड मैं खुद भी उस न्यूज को पिछले 3 साल से देख रही हूँ, तो ऐसे जब तक ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आती ना इतना किसी चीज पे गौर करने की जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं पता आप लोग जो सुन रहे हैं उन्होंने वो न्यूज देखी है नहीं देखी है, बट अगर आप देखी है तो मतलब एकदम से हर एक चीज पे विश्वास करने की जरूरत नहीं होती है। तो बाकी अपना स्टॉप लॉस तो हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो मार्केट गिरती है चढ़ती है कुछ भी है, आप रेडी रहेंगे उस एक्शन के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस हमेशा तैयार रखें। तो एंट्री की बात करें यहाँ पे तो देखिए मुझे लग रहा है कि टेक्निकली ये साउंड कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल देने वाला है, तो विद स्टॉप लॉस में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जरूर एंट्री बनाती, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस अगर मेरा लगेगा तो कहां तक लगेगा, यहीं तक लगेगा स्टॉप लॉस, एंड अगर फायदा होगा तो यहां तक होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को देखें तो काफी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाती एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि ये
डेढ़ दो महीने में मुझे लगता है यहाँ 30 तक टच कर सकता है। करने को तो पहले कर सकता है, प्राइस बैंड की बात करें तो ये है 20% का, करने को तो कभी भी कर सकता है, बट डेढ़ दो महीने में इसलिए बोलूँ कि अभी मार्केट में कोई एक्सटर्नल ऐसी सॉरी मार्केट में ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस पे एकदम से मूवमेंट में फर्क डाले, एंड स्टॉक पहले ही भाग चुका है, अभी करेक्ट हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है, बट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे दोनों के लिए एंट्री बनाती। एंड बाकी बस ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।